किनवट को एक पहचान मिली है, वो है मटका बाज़ार पत्तों के क्लब। वो अवैध धंधों से किनवट में तूफान, मटका बाज़ार पत्ते के क्लब अवैध धंधे चालू है, मगर किनवट पुलिस खामोश आंखें बंद करके है। लोगों ने कहा कि अब हमारी नई पीढ़ी को कौन इस माया जाल से छुटकारा दिलाएगा। किनवट में हर तरफ देखो मटका बाज़ार की दुकान खुले हुए हैं, भाजी मार्केट, रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड परिसर, शमशान भूमि के पास, गोकुंदा रेलवे गेट के पास, और इनकी वजह से जुर्म बढ़ गया है। हाँ, हर तरफ चोरी हो रही है, ऐसा किनवट की जनता कह रही है। किनवट के घोटी गांव में एक ढाबे पर मटका बाज़ार और अवैध दारू गांजा बेचा जा रहा है, मगर किनवट पुलिस खामोश है, ऐसा किनवट की जनता कह रही है। किनवट के पत्रकार सुरेश मस्के के धागेदार का अभी तक कोई पता नहीं चला। किनवट की जनता इन अवैध धंधों से परेशान है, मगर किनवट की पुलिस खामोश है। किनवट के पुलिस निरीक्षक दीपक बोसे ने कहा था आज की न्यूज़ चैनल पर, किनवट में मटका बाज़ार पत्तों के क्लब कभी नहीं चलने देंगे, मगर किनवट की जनता कह रही है कि इसमें लोग खेल कर बर्बाद हो रहे हैं। कौन सा नेता या कौन पुलिस सिंगम इन अवैध धंधों को बंद करेगा? किनवट के बहुत से नेता अपने आप को किनवट के लोगों का मसीहा कहने वाले अब कहाँ गए? किनवट की जनता ने कहा कि किनवट के पत्रकार लोग इन अवैध धंधों के बारे में लिखें और बंद कराने की मांग करें। किनवट की जनता लूट रही है और अधिकारी और नेता लोग देखकर हंस रहे हैं, ऐसा बहुत सी महिलाओं ने कहा है। इस अवैध धंधों को कौन बंद करेगा ये तो पता नहीं। किनवट के लोगों को यहीं रहना है और अधिकारी आते हैं जाते हैं, मगर हम सब किनवट में ही एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन हम अपनी पीढ़ी को इन अवैध धंधों से कैसे बचाएंगे? यही किनवट की जनता, किनवट की महिलाएं कह रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा मटका बाज़ार चालू है और पत्तों के क्लब जो कि तूफान चालू है हमारी पीढ़ी, वहाँ पर लाखों रुपए खेल कर बर्बाद हो रही है और जुर्म की तरफ जा रही है। इस तरफ कौन सा अधिकारी या कौन सा नेता आवाज़ उठाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए आज की न्यूज़। दोस्तों, एक शिवसेना के नेता ने कहा कि इन अवैध धंधों को बंद नहीं करेंगे तो उन जन आंदोलन करेंगे। दूसरे पाटिल ने कहा, देखिए इनकी प्रतिक्रिया। आज किनवट में हर तरफ अवैध धंधे चालू है और किनवट में मटका बाज़ार तूफान चालू है, गोर गरीब जनता लूट रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप हरदम मटका अवैध धंधों के बारे में आवाज़ उठाते हैं, दिवसे पाटिल जो शिवसेना गढ़ में गए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पत्तों के क्लब फुल तूफान जो कि युवा पीढ़ी बहुत लूट रही है, लेकिन उसके ऊपर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी किनवट में डेली आता हूँ, रोड के ऊपर सरदार नगर हो, रामनगर हो, ये तुम्हारे सुभाष नगर हो, ये रेलवे कॉलोनी हो, हर तरफ रोड के ऊपर मटके के पट्टे चालू है और वहाँ पर लेडीज लोग मटके खेल रहे हैं। ये देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि साला अपन कहाँ पर है, अपन आवाज़ उठाना या नहीं उठाना, ये किनवट की हालत नहीं है। बोदरी में भी रोड के ऊपर मटका इतना जोर से चालू है, पत्ते के क्लब चालू है, और हम किसी को बंद करने को जा रहे हैं
तो लोग वो हमको धमकी दे रहे, तुम्हारे क्या बाप का जरा, हम पुलिस को हफ्ता दे रहे हैं, एलसीबी वालों को हफ्ता दे रहे हैं, हम यहाँ हफ्ता दे के मटका चला रहे, तुम्हारे घर का कोई खेल रहा नहीं ना, आप हमारे बीच में नहीं आना, नहीं तो देखेंगे हम, हमारे साथ आपकी गांठ है। तो मैं पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब से यही विनती करता हूँ कि जो किनवट में जो लोग आत्महत्या कर रहे, ज़्यादा करके आत्महत्या मटके में पैसे हार के और घर को जाके झगड़े होने के बाद, जोरो मरद के झगड़े होने के बाद या बच्चन के झगड़े होने के बाद जो आत्महत्या कर रहे, सबसे ज़्यादा मटकों के वजह से आत्महत्या हो रही है। इसमें प्रशासन ने जल्द से जल्द इसमें ख्याल करके, और यहाँ जो किनवट में सबसे बड़ा जो सट्टा चल रहा है, सट्टा बाजार भी बहुत चालू है, भोजली में भी चालू है सट्टा, और तुम्हारे किनवट में, मांडवी में, इस्लापुर में, ये सब तरफ ये सट्टा बाजार चालू है। अभी तो IPL चालू हो गया है, वर्ल्ड कप का चालू होने वाला है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग पैसे हार रहे हैं। तो प्रशासन को हमारी इतनी विनती है पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें और इनका जो ये धंधा चालू है जोर का, ये बंद करें। पत्तों के क्लब आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, जो जिनकी पढ़ाई करने का वक्त है वो 3 पत्ते, वो 12 पत्ते का क्या रमी रहता, 14 पत्ते का, ऐसे ये पत्ते के क्लब में छोटे बच्चे जा रहे हैं। अभी देखो किनवट के, मैं क्या बोलता है, 10-15 फीट या 50 फीट के अंदर ही मटका क्लब चालू है, लेकिन इसके ऊपर ख्याल भी करना चाहिए, प्रशासन ने ख्याल करना चाहिए। अभी पत्ते में तो मैं क्या बोलता, हर गली में पत्तों का डाव बैठे वाला है, और सबसे इसके ऊपर ये कुछ लोग है, उनके जो आजू बाजू फिरने वाले कुछ लोग है, इनके जो ला के देने वाले दलाली लोग, ये ऐसे बॉडी गार्ड के सर के रहते हैं। जैसे हमारे सर का कोई कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता कोई जाए वहाँ पे, तो उसके ऊपर हमला करने को भी कम नहीं करते। तो हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन से विनती है कि भाई जल्द से जल्द ये जो धंधे, अवैध धंधे, ये जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हमको शिवसेना के वती से, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के तरफ से, हम रास्ता रोको या आपके खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़ेगा। जय महाराष्ट्र।